I would date an Indian man. Indian person, I have a boyfriend. ब्रिटेन की एक अंग्रेजी गोरी मैम रियोनन हैरिस ने दिल्ली के लड़के से शादी करके हिंदुस्तानी युवाओं को थोड़ा हैरान कर दिया है। दिल्ली में काम कर रही ब्रिटेन की डिप्टी ट्रेड कमिश्नर साउथ एशिया हैरिस ने शादी के बाद अपनी फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर की। ट्वीट में रियोनन हैरिस ने लिखा है कि 4 साल पहले वो कई सारे उम्मीदों और सपनों के साथ भारत आई थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें यहाँ जिंदगी भर का प्यार मिल जाएगा और शादी भी कर लेंगी। उन्होंने लिखा है कि अतुल्य भारत में उन्हें खुशियां मिल गई हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। कई युवक पूछ रहे हैं कि अंग्रेज लड़कियों को हिंदुस्तानी लड़कों में क्या क्या पसंद आता है, तो सुन लीजिए। I would date an Indian man. Dark skin and dark hair. Why not? Yeah. You know, it's a different country and different culture, but why not? Generally, Indian men are considered more family-oriented and more open to the idea of marriage. But the modern Western idea of casual dating is slowly gaining popularity in many parts of the world, and is also changing the way people perceive relationships. एक डेटिंग ऐप की रिसर्च बताती है कि पिछले कुछ सालों में अंग्रेज लड़कियों का रुझान हिंदुस्तानी लड़कों में बढ़ गया है। उनके अनुसार मॉडर्न हिंदुस्तानी लड़कों का गेहुआ रंग, फैमिली के प्रति कमिटमेंट, तलाक के बारे में न सोचना, पत्नी को बहुत ज्यादा सम्मान देना, बच्चों से बेहद ज्यादा लगाव विदेशी लड़कियों को आकर्षित करता है। इसके अलावा भारत की वसुधैव कुटुम्बकम वाली संस्कृति और यहाँ की शांति भी उनको आकर्षित करती है। रियोनन हैरिस के ट्विटर पर भी भारत के बारे में काफी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, जैसे उन्हें पक्षियों से प्रेम है, यहाँ के सादे भोजन खिचड़ी की वे दीवानी हैं। भारत के सोशल मीडिया यूजर्स ने रियोनन हैरिस को बधाई देते हुए दिलचस्प कमेंट्स किए हैं। ट्विटर पर सौरभ ने लिखा है कि 130 करोड़ लोगों के परिवार में आपका स्वागत है, आप दोनों को शादीशुदा जिंदगी के लिए बहुत बहुत खुशियां मुबारक। वहीं इस कमेंट्स पर डिप्टी हाई कमिश्नर एंड्रू फ्लेमिंग ने मजाक में लिखा, रियोनन को मैं जानता हूं और निश्चित ही वे पूरे परिवार को डिनर पर बुलाएंगे जैसा ही ऐसा करना सुरक्षित हो जाएगा, यानी कोरोना के बाद। तो कुल मिलाकर हिंदुस्तानी लड़के अब पूरी दुनिया में डंका बजा रहे हैं। हिमालय न्यूज के लिए नवीन पांडे की रिपोर्ट।